नमस्कार, आप सभी का शिवाजी की पाठशाला में स्वागत है। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज मैं आपको इससे पहले दो लेक्चर्स अपलोड कर चुका हूँ सिर्फ कोशिका के बारे में। ठीक है, कोशिका के बारे में मैंने आपको बताया, कोशिका के कोशिकांग के बारे में बताया। ठीक है जी, उसके अंदर जो कोशिकांग थे उन सभी के बारे में मैंने आपको बताया और प्रोटोप्लाज्म के बारे में बताया मैंने आपको, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो जीवद्रव कहा जाता है उसको, और जीवद्रव जो है वो क्या है, जीवन का आधार है। हेक्सले साहब ने इसको बताया और मैंने आपको बताया था जीवद्रव का नामकरण किसने किया था। देखिए, किसने किया था, सारकोट ने, यानी कि सारकोट जीवद्रव, यानी कि जब सर कट जाएगा तो जीवन रहेगा ही नहीं। सारकोट साहब ने जीवद्रव का जो है नाम किया और जुड़ जाएगा, यानी कि जॉर्डन जुड़ जाएगा, यानी कि डू जॉर्डन, यानी कि जुड़ जाएगा तो जीवन फिर वापस आ जाएगा, तो जॉर्डन साहब। और इसके अलावा सारकोट साहब ने इसका नामकरण किया था। तो मैंने आपको जीव द्रव के अंदर पाए जाने वाले जो कोशिका द्रव्य था उसके अंदर कोशिकांग जो पाए जाते हैं उन सभी कोशिकांगों के बारे में मैंने आपको एक एक करके जानकारी दी। क्या क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, इसको पावर हाउस कहा जाता है, लवक, यानी कि तीन प्रकार के होते हैं, वर्णी लवक, अवर्णी लवक, हरित लवक। इसके अलावा अंतः पृथ्वी जालिका यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार का होता है, एक होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है मैंने आपको बताया, जो कि एक तरह से किसका कार्य करता है, जो कि उसका झिल्ली और इसका केंद्रक के मध्य में प्रोटीन को लाने ले जाने का कार्य भी यही करता है। कौन, आपका ठीक है, आपका जो है कार्य करता है। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि जो है गोल्जी काय के बारे में मैंने आपको बताया, इसके अलावा लाइसोसोम के बारे में, जिसको कि पाचन की थैली, आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको वर्णी लवक के बारे में बताया, जो कि जितने भी रंग होते हैं हमारे फल के अंदर, फूलों के अंदर, फलों के अंदर, इसके अलावा सब्जियों के अंदर, वो उनके मैंने बताया किस किस के कारण होते हैं, उसको याद करने की ट्रिकें मैंने बताई। इसके अलावा रिक्तिका के बारे में मैंने आपको बताया, कोशिका भित्ति के बारे में बताया, जो इसकी तीन परतों से मिलकर बनी होती, तीन भाग होते हैं उसमें। ठीक है, ये तमाम जानकारियाँ मैंने आपको दी। प्रोटीन की फैक्ट्री क्या होती है बताइए, प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम होती है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है, बायोब्लास्ट भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज की थी वो कॉलिकर साहब ने की थी, ठीक है, और अल्टमैन साहब ने, यानी कॉलिकर, अल्टमैन और सी वेंडा, अल्टमैन यानी कि उल्टे मैन समझ लीजिएगा इस तरह से, बायोब्लास्ट, ठीक है, ब्लास्ट कर दिया इस तरीके से आपका, उल्टमैन ने बायोब्लास्ट इसको कहा और सी वेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया कहा। इस प्रकार से मैं ये तमाम चीज़ें आपको बता चुका हूँ। और आपको कस्टम इंस्पेक्टर किसको कहा जाता है, कोशिका झिल्ली को कस्टम इंस्पेक्टर कहा जाता है। ठीक है, प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, राइबोसोम में होता है। कोशिका का विभाजन कहाँ से शुरू होता है, केंद्रक से शुरू होता है। कोशिका का मस्तिष्क किसको कहते हैं, कोशिका का मस्तिष्क केंद्रक को कहा जाता है। कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है, कोशिका भित्ति हमारे शैवाल यानी सेक पाजी, मैंने आपको बताया था याद करने का तरीका, शैवाल, कवक, पादप और जीवाणु के अंदर पाई जाती है कोशिका भित्ति। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें मैंने आपको बता चुका हूँ। आज मैं आपको केंद्रक के बारे में बताऊँगा। देखिए, प्रोटोप्लाज्म जो था वो दो चीज़ों से मिलके बना था, एक बन के बना कोशिकांगों से, यानी कोशिका द्रव के अंदर कोशिकांग पाए जाते हैं, और फिर उसके बाद केंद्रक। तो आज हम केंद्रक की बात करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारा केंद्रक, और केंद्रक में क्या क्या पाया जाता है, केंद्रक की खोज किसने की, ये सब हम लोग जानेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, कोशिका के अंदर जो पाए जाते हैं कोशिकांग पाए जाते हैं, जिनको हम कोशिकांग बोलते हैं। यहाँ पे कोशिका के अंदर एक जो हमारे पास पाया जाता है जिसको बोलते हैं क्या, सेंटर, जो मैंने कहा था केंद्रक पाया जाता है। ये केंद्रक का एक चित्र मैंने बनाया हुआ है, ये है केंद्रक, और केंद्रक के अंदर भी एक केंद्रक पाया जाता है, किसको बोलते हैं, केंद्रिका। केंद्रक के अंदर एक केंद्र है जिसको बोलते हैं केंद्रिका, और जिसको न्यूक्लियोलस भी बोला जाता है। ठीक है, और इसकी खोज किसने की थी, फोंटाना ने की थी। किसने की थी, फोंटाना, यानी कि फोन को, फोन क्या हुआ, फोन जब टनटनाता है, फोंटाना, तो केंद्रिका, यानी कि फोन टनटनाता है तो कहाँ चला जाता है, केंद्रिका में चला जाता है। ठीक है, अपने केंद्र में टनटनाता है, फोन टनटनाता है, यानी फोंटाना,
फ़ोन का आना और केंद्रिका में यानी कि फोंटाना ने किसकी खोज की थी, केंद्र की खोज की थी यानी केंद्रिका की, केंद्र में केंद्रिका की खोज यानी न्यूक्लियस की खोज फोंटाना ने की, ठीक है। फोंटाना यानी कि फ़ोन का खटखटाना, यानी कि केंद्रिका में जैसे ही फ़ोन खटखटाया तो कहाँ चला गया, केंद्र में चला गया, केंद्रिका में चला गया। इस तरीके से इसको याद करना है। देखिए इसकी खोज केंद्र की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्र की खोज की, यानी कि सेंटर की खोज किसने की, रॉबर्ट ब्राउन ने की 1831 में, ठीक है। और इसके अलावा ये केंद्रक बना किस चीज़ होता था, प्रोटीन, सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है इसके अंदर 85%। इसके अलावा फास्फोलिपिड भी होते हैं, डीएनए और आरएनए भी इसी के अंदर पाया जाता है। इसको सेंट्रल रूम बोलते हैं, कोशिका का मस्तिष्क भी बोलते हैं, कंट्रोल रूम भी बोलते हैं, ठीक है। इसको डायरेक्टर भी बोलते हैं, इसको सीपीयू भी बोलते हैं, यानी केंद्रक के कितने सारे नाम हैं। केंद्रक क्योंकि ये हमारा सीपीयू है, हमारा मस्तिष्क जो है, हमारी कोशिका का मस्तिष्क, हमारी कोशिका का सीपीयू, हमारी कोशिका का डायरेक्टर, हमारी कोशिका का जो है सेंट्रल रूम। कोशिका बना किसका होता है, प्रोटीन, फास्फोलिपिड और डीएनए का बना होता है। खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन साहब ने केंद्रक की खोज की थी, और केंद्रका की खोज किसने की थी, फोंटाना ने केंद्रका की खोज की, और रॉबर्ट ब्राउन ने खोज की थी किसकी, केंद्रक की खोज की थी। तो इस तरीके से हमको इसको याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए, अब हम चलते हैं गुणसूत्र। देखिए अभी हमें गुणसूत्र क्या होता है, गुणसूत्र जो है आरएनए और डीएनए हमने कहा था कि जो कि इसमें अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। केंद्रक के चार भाग होते हैं, इसको थोड़ा ध्यान रखना होगा हमें। केंद्रक के कितने भाग होते हैं, देयर आर फोर पार्ट्स ऑफ द सेंटर। फर्स्ट वन इज़ अ केंद्रक भित्ति, यानी कि जो भार की जो मेम्ब्रेन होती है केंद्रक की, उसको केंद्रक भित्ति बोलते हैं, भार की यानी कि न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बोलते हैं उसको। और एक होता है केंद्रक द्रव, जो इसके अंदर भरा होता है, जिस प्रकार से कोशिका के अंदर भरा होता है उसी प्रकार केंद्रक के अंदर भी द्रव भरा होता है, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। देखिए न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं केंद्रक के द्रव को, और इसी प्लाज्म जो कोशिका के अंदर जो भरा होता है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, जो सिर्फ और सिर्फ केंद्रक को छोड़ के होता है वो होता है साइटोप्लाज्म। और जो पूरा जोड़ दिया जाता है किसको, साइटोप्लाज्म को और आपके केंद्रक को जोड़ दिया जाता है, यानी कि सेंटर को जोड़ दिया जाता है, तो बन जाता है प्रोटोप्लाज्म। यानी प्रोटोप्लाज्म किस किस को जुड़ के बनाता है, साइटोप्लाज्म और सेंटर को जुड़ के बनाता है। लेकिन यहाँ पर साइटोप्लाज्म जो है उसकी बात हम कर चुके हैं। अब केंद्रक में क्या मिल रहा है, यहाँ पे आपका केंद्रक द्रव मिल रहा है, क्योंकि इसके अंदर भी द्रव होता है, तो इसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। तो हर जगह प्लाज्म लिखा हुआ है, प्लाज्मा, फिर साइटोप्लाज्म, यहाँ न्यूक्लियोप्लाज्म, ध्यान रखना है ये द्रव से जुड़ा हुआ है। इसी द्रव के अंदर ही हमें पड़ता मिलती है केंद्रिका, या इसी केंद्रिका को बनते हैं न्यूक्लियोलस बोलते हैं। और इसी न्यूक्लियोलस के चारों तरफ क्या पाए जाते हैं, ये जाल पाया जाता है, केंद्रक जाल पाया जाता है, इसी को बोलते हैं न्यूक्लियस रेटिकुलम, यानी केंद्रक जाल पाया जाता है। बहुत सारी जालीनुमा संरचनाएँ यहाँ पर पाई जाती हैं, क्या पाई जाती हैं, जालीनुमा संरचनाएँ यहाँ पर पाई जाती हैं, ठीक है, जालीनुमा संरचनाएं यहाँ पर पाई जाती हैं, जालीनुमा संरचनाएं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया केंद्रक जो है चार भागों में डिवाइड है। यहाँ पे केंद्रक भित्ति सबसे बाहर होती है, बी फिर जो केंद्रक के अंदर जो भरा होता है केंद्रक द्रव बोलते हैं, और बीच में केंद्रिका होती है, उस केंद्रिका के चारों ओर जो है जाल होता है उसी को बोलते हैं केंद्रक जाल, ठीक है। यही जो केंद्रक जाल है इसी केंद्रक जाल पे छोटे छोटे महीन धागे होते हैं, और ये जो महीन धागे होते हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इन्हीं महीन धागों को हम लोग क्रोमोनीमेटा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये जो महीन से धागे दुनिया भर के होते हैं केंद्रक के बाहर, ठीक है, केंद्रिका के बाहर,
उनको बोलते हैं हम क्रोमोनीमेटा, क्रोमोनीमेटा बोलते हैं। और यही क्रोमोनीमेटा क्या होते हैं, जब क्रोमोनीमेटा जो है जब कोशिका का विभाजन होता है, आपको मैंने बताया था कोशिका का विभाजन केंद्रक से शुरुआत होती है, केंद्रक का पहले विभाजन होगा फिर कोशिका का विभाजन होगा। तो केंद्रक का विभाजन जब होता है तो यही जो क्रोमोनीमेटा होते हैं ये क्या होते हैं, संगठित हो जाते हैं आपस में और एक छड़नुमा रचना बना लेते हैं। ये छड़नुमा जब रचना बनाते हैं तो छड़नुमा रचना जो होती है इसी को हम क्रोमोजोन कहते हैं। कहने का मतलब छोटे छोटे महीन जो धागे थे वो इनको बोलते हैं क्रोमोनीमेटा। और यही क्रोमोनीमेटा जब कोशिका का विभाजन हो जाता है तो क्रोमोजोम में बदल जाते हैं। किस में बदल जाते हैं, क्रोमोजोम में। अब ये क्रोमोजोम में जब बदल जाते हैं तो इन्हीं क्रोमोजोम के ऊपर बहुत छोटी छोटी सी संरचनाएँ पाई जाती हैं। जैसे ये क्रोमोजोम है और इन्हीं क्रोमोजोम के ऊपर बहुत छोटी छोटी इस तरह की संरचनाएँ, बहुत सारी संरचनाएँ चिपकी रहती हैं इसके ऊपर, क्रोमोजोम के ऊपर इस तरीके से। ठीक है, पहले ये बहुत ही बारीक बारीक से क्या होते हैं, बहुत ही बारीक तार होते हैं। ठीक है, और फिर ये आपस में जुड़ जाते हैं, संगठित हो जाते हैं और ये इस तरीके से छड़ीनुमा बन जाते हैं। और इसी के ऊपर बहुत पतले पतले छोटे छोटे बिंदुदार जो है संरचनाएँ हो जाती हैं और इन्हीं संरचनाओं को हम बोलते हैं जीन। क्या बोलते हैं, इन्हीं संरचनाओं को जीन बोला जाता है। और यही जीन जो होते हैं ये अनुवांशिक लक्षणों को एक जाति से दूसरी जाति से क्या करते हैं, गुणों का ट्रांसफ़र करते हैं, यानी पीढ़ी का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की तरफ इनको पहुंचाते हैं। कौन, ये जीन। जीन जो होते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक इन गुणों का स्थानांतरण कर देते हैं। इसीलिए ये कहाँ पाए जाते हैं, क्रोमोजोम के ऊपर, क्रोमोजोम के ऊपर इनको पाया जाता है ये। और ये अनुवांशिक लक्षणों को एक जाति से यानी एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी तक पहुँचाने में, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुँचाने का कार्य करते हैं। तो ये हमने जो देखा यहाँ पर क्या था, पूरा का पूरा केंद्रक की संरचना के बारे में। केंद्रक जो था हमारा चार भागों में बटा है और इसी केंद्रक के अंदर ही हमारे क्रोमोजोम पाए जाते हैं और इन्हीं क्रोमोजोम के ऊपर छोटी छोटी जालीनुमा संरचनाएँ, छोटी छोटी संरचनाएँ पाई जाती हैं और इन्हीं संरचनाओं को हम क्या बोलते हैं, जीन्स बोलते हैं। तो इसके अलावा इसके अंदर आरएनए और डीएनए भी पाए जाते हैं। आरएनए और डीएनए किसके अंदर पाए जाते हैं, आरएनए और डीएनए भी हमारे इसी के अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा लैंगिकता का जो निर्धारण करता है वो कौन करता है, लैंगिकता का निर्धारण जो है हमारा, वो लैंगिकता का निर्धारण वो क्रोमोजोम ही करते हैं। क्रोमोजोम जो होते हैं, क्रोमोजोम वो लैंगिकता का यानी कि मेल और फीमेल का भी क्या करते हैं, मेल और फीमेल का निर्धारण करते हैं कि लड़का है होगा कि लड़की होगी, ये क्रोमोजोम ही निर्धारण करते हैं। यानी कि क्रोमोजोम की वजह से इनको बोलते हैं हिंदी में गुणसूत्र। क्रोमोजोम को क्या बोलते हैं, गुणसूत्र। क्रोमोजोम इज कॉल्ड गुणसूत्र, यानी गुणसूत्र को हम क्रोमोजोम कह देते हैं। यहाँ पर देखिए अब क्रोमोजोम के बारे में थोड़ी सी बात की जाए। क्रोमोजोम हमने देखा कि ये बन चुके हैं क्रोमोजोम, ठीक है, और ये क्रोमोजोम के ऊपर जीन्स पाए जाते हैं और जीन्स ही जो है हमारे अनुवांशिक लक्षणों का आदान करते हैं, यानी आदान प्रदान मतलब अनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होता है इन्हीं के कारण। ठीक है, इसीलिए इन्हें अनुवांशिक पदार्थ भी कहा जाता है। अब आगे देखिए जो गुणसूत्र हैं जिनकी हम बात कर रहे थे, क्रोमोजोम यानी कि क्रोमोजोम जो है यह डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है, यानी कि गुणसूत्र जो है क्रोमोजोन वो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। डीएनए जो होता है इसमें 40% है और हिस्टोन प्रोटीन भी 40% है। अब डीएनए जो क्रोमोजोम की जो खोजकर्ता थे वो थे स्ट्रॉसबर्गर इनके खोजकर्ता से, और इसके अलावा वाल्डेयर ने इसका नाम किया, यानी वाल्डेयर ने क्या किया, गुणसूत्र का नाम दिया, और इसके अलावा स्ट्रॉसबर्गर ने इसकी खोज की, यानी स्ट्रॉसबर्गर ने खोज की और नामकरण किसने किया, वाल्डेयर ने किया। अब क्या होता है, जो गुणसूत्र होते हैं हमारे उन दो मतलब मान लीजिए ये गुणसूत्र है, इसका आधे भाग को हम क्या कहते हैं, क्रोमेटेड यानी कि क्रोमेटेड कहा जाता है, क्रोमेटेड इसको कहते हैं और दूसरे भाग को भी क्रोमेटेड कहते हैं। तो जो गुणसूत्र है हमारे क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम के आधे भाग को क्रोमेटेड और इस आधे भाग को क्रोमेटेड कहा जाता है, और इनको जोड़ता है, जोड़ने का काम कौन करता है, गुणसूत्र बिंदु, यानी यहाँ पर होता है गुणसूत्र बिंदु जो इन दोनों क्रोमेटेड को
क्रोमेटिड को जोड़ने का काम करता है, इन्हीं को हम सेंट्रोमियर भी कहते हैं। सेंट्रोमियर मतलब सेंटर के बीच में, सेंट्रोमियर यानी कि सेंट्रो के बीच में, यानी कि गुणसूत्र जो गुणसूत्रों को जोड़ने का काम, यानी कि क्रोमेटिड यानी गुणसूत्र दो में बैठे होते हैं आधे आधे, क्रोमेटिड क्रोमेटिड, और ये दोनों क्रोमेटिड जुड़े होते हैं किसके द्वारा, सेंट्रोमियर के द्वारा जुड़े होते हैं, ठीक है। गुणसूत्र बिंदु भी इसको बोलते हैं। तो ये क्रोमोजोम के बारे में था कि स्ट्रॉसबर्गर ने जो है गुणसूत्र की खोज की। तो यहाँ पे ध्यान रखना है जो बर्गर स्ट्रॉस जो है यानी कि बर्गर, बर्गर से याद रखना, बर्गर यानी कि बर्गर खाओगे तो क्या होगा, गुड़ अच्छे नहीं होते बर्गर खाना, ठीक है, बर्गर को याद रखना है ऐसे। और वर्ल्डेयर, वर्ल्डेयर मतलब वर्ल्डेयर ने इसकी नामकरण किया, ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना है। आगे तो क्रोमेटिड से बन गया, ये आधा जो है भाग क्रोमेटिड कहलाता है, ठीक है, और इसको जोड़ने का काम गुणसूत्र बिंदु जो होता है इन दोनों को जोड़ने का काम करता है। अब आते हैं पैतृक गुणों का निर्धारण कौन करता है। पैतृक गुणों का निर्धारण जो है हमारे गुणसूत्र ही करते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था अनुवांशिक गुण, और लैंगिक लक्षण जो होते हैं उसका निर्धारण भी हमारे गुणसूत्र ही करते हैं। लैंगिक लक्षण मतलब मेल या फीमेल, ये दोनों का लैंगिक लक्षणों का भी हमारे जो है निर्धारण कौन करते हैं, गुणसूत्र जी ही करते हैं, यानी क्रोमोजोम ही करते हैं। गुणसूत्रों का निर्धारण क्रोमोजोम ही करते हैं, क्रोमोजोम। हाँ देखिए यहाँ पर गुणसूत्र कितने होते हैं, हाउ मेनी क्रोमोजोम्स आर देयर, देयर आर 46 क्रोमोजोम्स। हमारे शरीर में कितने क्रोमोजोम्स होते हैं, 46 यानी कि 23 पेयर्स, 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोजोम के। ये 23 पेयर में 22 पेयर ऐसे होते हैं जो मेल और फीमेल में समजात होते हैं, यानी कि एक जैसे होते हैं, समजात मतलब ऑटोसोम। देखिए यहाँ पर ये 23 पेयर टोटल होते हैं, यहाँ पे 23 पेयर होते हैं यानी कि 46 होते हैं, मेल हो या फीमेल हो दोनों में 46 क्रोमोजोम होंगे। उसमें से 22 क्रोमोजोम यानी कि 22 पेयर, 22 पेयर का मतलब 44, 44 इधर और 44 इधर, ये क्या होते हैं, ये बिल्कुल सेम होते हैं, इनको बोलते हैं समजात गुणसूत्र। क्या होते हैं, समजात गुणसूत्र होते हैं, और ये समजात गुणसूत्र यानी कि समान लक्षण होंगे, और यहाँ पर एक एक पेयर जो होगा वो आपका होता है विषमजात सूत्र, यानी कि जो एक एक पेयर क्रोमोजोम का होता है वही निर्धारण करता है लिंग का निर्धारण। यानी कि मेल के अंदर एक्स और वाई क्रोमोजोम होता है सेक्स हार्मोन, और फीमेल के अंदर एक्स और एक्स हार्मोन सेक्स हार्मोन होता है, ठीक है, यही जो होते हैं ये इनको बोलते हैं विषमजात गुणसूत्र, और समजात गुणसूत्र 22 पेयर यानी कि 44 होते हैं, इनको ऑटोसोम्स बोला जाता है इंग्लिश में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये था गुणसूत्र जो है हमारे, यानी कि क्रोमोजोम निर्धारण किस किस का कर रहे हैं, पैतृक गुणों का निर्धारण कर रहे हैं, हेरिडिटी करेक्टर्स का, और लैंगिक लक्षणों का भी निर्धारण ये करते हैं। ये थी क्रोमोजोम की कहानी। अब बात आती है जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, यानी कि डीएनए जो है हमारा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक जो कि हमने बताया था, तो केंद्रक जो है वो किस किस का मिलके बना है, केंद्रक में ही हमारा प्रोटीन फास्फोलिपिड और डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं, और इसी केंद्रक के अंदर केंद्रिका और केंद्रिका के बाहर जो है छोटे छोटे महीन धागे जिनको क्रोमोनिमेटा कहा जाता है, और यही क्रोमोनिमेटा जब कोशिका का विभाजन होता है तो छड़नुमा रचनाएं बना देते हैं, और उन्हीं छड़नुमा रचनाओं को हम क्रोमोजोम कह देते हैं, और क्रोमोजोम के ऊपर छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं जिनको हम जीन्स कहते हैं, और यही जीन्स क्या करते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हमारे पैतृक लक्षणों का स्थानांतरण करते हैं। तो ये इसके बारे में था। इसके अलावा हमने बताया था डीएनए जो है, डीएनए क्या करता है, डीएनए जो है यहाँ पर एक तरह से 46 जो गुणसूत्र हैं हमारे, यानी कि डीएनए
के अंदर ये गुणसूत्र पाए जाते हैं, डीएनए के अंदर गुणसूत्र, एक मिनट, गुणसूत्र डीएनए के अंदर, डीएनए डीएनए की रचना तीन कंफ्यूजन हो गया यार।